हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। वेलकम टू सीबीएसई टी पॉइंट। आज है अपना सेवंथ पार्ट लाइफ प्रोसेस का, पार्ट सेवन। क्लियर है क्या? चलिए, लास्ट लेक्चर में अगर हम सभी ने देखा था, हम लोगों ने बात किया था किस चीज का, रेस्पिरेशन को खत्म किया था, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। उसी ऑर्गेनिजम्स में हमने बात किया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अब ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसको हमने डिसाइड किया था, या फिर सॉरी डिस्कस कर लिया था कि उसका जो लंग्स है, ह्यूमंस का जो लंग्स है उसमें क्या, कैसे, किस तरह से बिहेवियर होता है, या फिर किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है। याद रखिएगा, हम आपको इजिली वे में बताएंगे, कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाइड पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या? चलिए, आज के लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म। अगर जब मैं बात करता हूं कभी भी किस चीज की, ट्रांसपोर्ट की, तो आप सभी को पता होगा ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। कोई भी चीज किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। फिर रिपीट करूं क्या? अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट, अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता क्या है, तो आप हमेशा एक ही चीज कहेंगे कि कभी भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करे। कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और उस प्रोसीजर को बोलते हैं जो हुआ उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट होना। जिस चीज का हुआ ट्रांसपोर्टेशन उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। क्लियर है क्या? चले, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब मैं ऑर्गेनिजम्स में बात कर रहा हूं कि कोई भी चीज हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फ्लूइड, मतलब कि अपना ब्लड हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हॉर्मोन्स, या फिर कुछ भी फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? चलिए देखिए, लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, सो सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी दीज इसेंशियल सब्सटेंस टू ऑल द पार्ट सो दैट इट रीच टू एवरी बॉडी। आप समझिएगा, अगर मैं बात करूं छोटे प्लांट्स की, मान लिया हमने बात किया छोटे प्लांट्स की, ये रहा अपने पास कोई भी एक प्लांट, मान लीजिए अपने पास कोई एक छोटा प्लांट है, ठीक है, छोटा प्लांट, मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे कोरिएंडर का, धनिया का पेड़ है इतना छोटा है, तो मैं बोलूं क्या कि इसकी टिप जो है, यानी कि इसका जो एपिकल पार्ट है, एपिकल पार्ट क्या बोला, एपिकल मीन्स टॉप मोस्ट पार्ट किस चीज का, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर है क्या सभी को? समझिएगा, धनिया का पेड़ है, छोटा है, तो इसकी रूट्स जो है पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो ये रूट्स से सीधा ये ऊपर तक पॉइंट तक आराम से बाय डिफ्यूजन बोल दो, या फिर मैं बोलूं बाय ऑस्मोसिस बोल दो, किसी के भी थ्रू, मोस्टली डिफ्यूजन के थ्रू ये यहां से यहां चली गई। लेकिन तो हुआ क्या, तो अपने पास अगर हायर प्लांट्स की मैं बात करूं, तो आप जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अपना मैंगो का ट्री हो गया, ये क्या है, मान लीजिए ट्री किस चीज का है, मैंगो का। अब ये पेड़ तो बड़े हैं, अब इनमें ऐसे हो सकता है क्या कि यहाँ पे पानी अपनी रूट से ये करें और डिफ्यूजन होते 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 हर एक पार्ट्स को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझिएगा, डिफ्यूजन की एक लिमिटेशन होती है, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन ना एक जगह से दूसरी जगह होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। लेकिन अब देखिए, डिफ्यूजन इतने बड़े पेड़ हैं, मतलब मैं बोल दूं क्या ये 10 फीट 12 फीट 20 फीट के ऊपर है, मतलब एक फ्लोर दो फ्लोर के ऊपर पेड़ होते हैं, तो नीचे से ऊपर तक इतनी दूर पानी ट्रेवल। अब आप सोचिए कि ऊपर की जो लीफ है उसको रिक्वायरमेंट है किस चीज की, वाटर की, और नीचे से यहां से पानी जाते 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 मान लो डिफ्यूजन कहीं रुक गया, या फिर डिफ्यूजन तो इतना धीरे प्रोसेस है कि इसको होने में एक पार्ट से दूसरी जगह पे जाने में ऑलमोस्ट 12 to 24 hours या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है, इररिस्पेक्टिव टू एनी टाइप ऑफ, या फिर किस तरह का अंदर उसको रुकावट, या फिर किस तरह से मिल रही है उसकी एडेप्टेबिलिटी कैसी है। क्लियर है क्या? आप समझिए, तो करेंगे क्या, या फिर हुआ क्या हायर प्लांट्स में, इसीलिए हायर प्लांट्स में ना एक स्पेसिफाइड बोलो, या फिर बोल दूं मैं स्पेशलाइज्ड, एक स्पेसिफाइड और स्पेशलाइज्ड ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। किस चीज का, ट्यूब का, ट्यूब आप समझते हैं क्या, पाइप देखा है जिसमें से पानी अपनी, सवेरे आप चलाते हो, नल चलाते हो, ट्यूब होता है, टैब होता है अपना, वो एक पाइप से कनेक्टेड होता है,
सिंपल वही समझिए कि इन पेड़ों में एक पाइप जैसा, एक होलो पाइप जैसा सिस्टम क्रिएट होता है जिससे पानी का सक्शन होता है। और सक्शन कैसे, तो देखिए पानी ऊपर खत्म है, नीचे पानी है, तो ऊपर से पुल आउट होगा। ये पुल आउट होता कैसे मैं आगे बताऊंगा, क्यों ना एक प्रोसीजर होता है। जैसे हम लोग, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री तक मेंटेन रह सके। क्यों, हमें गर्मी ज्यादा हुई, हमारे इन्वायरमेंट से हमें गर्मी ज्यादा हुई, तो हुआ क्या, हमें गर्मी ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी में जो 37 या 40 डिग्री अपना टेम्परेचर जाता है, मई जून में 40 to 45 के आसपास जाता है, इतनी ज्यादा टेम्परेचर में अपनी बॉडी की कई एंजाइम्स डीनेचर्ड हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचर और डीनेचुरेशन ऑफ एनी एंजाइम्स, इट मीन्स किसी भी एंजाइम का खराब हो जाना, या फिर किसी भी एंजाइम का ने जिस तरह से उसका रोल करना था उसके एंटागोनिस्टिक बोले तो उसका उल्टा रोल कर दे, या फिर कुछ भी रोल ना परफॉर्म करे, तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एनी एंजाइम। अब ये डीनेचर क्यों हुआ एंजाइम, क्यों, क्योंकि उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, कितना, ऑलमोस्ट 25 to 37 और 25 to 38 39 तक चाहिए था, लेकिन इन्वायरमेंट टेम्परेचर 40 to 45 प्लस जा रहा है। अब ऐसा में हुआ क्या, बॉडी क्या करती है, अपने जो वाटर है, बॉडी स्वेटिंग स्वेट ग्लैंड से पानी रिलीज करती है। उससे क्या होगा, उससे जब स्वेटिंग होगी और थोड़ा बहुत भले गर्माहट गर्म हवा ही चलेगी जिसको हम बोलते हैं लू, अगर उससे क्या होगा, अपनी बॉडी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक प्रोसीजर है जिससे हमें कूलेंट यानी बोले तो ठंडक का एहसास होगा। अब हमें ठंडक का एहसास होगा तो बॉडी टेम्परेचर अपना डाउन हुआ, बॉडी टेम्परेचर अपना डाउन हुआ तो मैं बोल दूं क्या, एंजाइम की एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो गई। क्लियर है क्या, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इन आवर बॉडी। क्लियर है क्या, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, एंजाइम खराब हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, समझ गए बात। चलिए तो होता क्या है, ये जो पाइप है जनरली इसको हम लोग बोलते हैं, ये पाइप जो है जिसमें वाटर ट्रेवल करता है फ्रॉम रूट टू टिप पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम लोग बोलते हैं इस ट्यूब को जाइलम। इसके बारे में हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी आप जनरलाइज सुन लीजिए, इसको बोलते हैं जाइलम। अब ये है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब स्ट्रक्चर होता क्या है, इस पेड़ में जैसे हमारे में क्या होता है स्वेटिंग होती है, उसी तरह पेड़ों में एक एक, एक होती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन एक फिनोमिना है, एक घटना है। होता क्या इसमें, ट्रांसपीरेशन इज द फिनोमिना इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। क्यों ऐसा हुआ, ध्यान समझे, अब सुबह का टाइम था, लीफ एक्सपोज थी, सुबह का टाइम था, लीफ एक्सपोज थी, जब धूप अपने वर्टिकल पे आई तो ये हुआ क्या, ये इसमें से वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, लीफ में से वाटर वेपर्स नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो वाटर का लॉस करेगा प्लांट, किस लिए, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। ऐसे में होगा क्या, जब ऊपर से पानी चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, H2O की डेफिशिएंसी, या फिर मैं बोलूं कि स्टारवेशन, या फिर मैं बोल दूं कि पानी की कमी होगी। क्लियर है क्या, अब जब ऊपर पानी की कमी हो जाएगी तो मैं बोल दूं क्या, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम हो गई, नीचे पानी ज्यादा है तो ऊपर एक सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन आप समझते हैं क्या, पिचकारी, ऐसे पानी में डाला और खींच लिया, खींचते हैं तो नीचे से पानी ऊपर आ जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ऊपर पानी नहीं है तो नीचे ऐसे पिचकारी डाला मैंने, यहां से ऐसे खींच लिया तो रूट का पानी ऊपर चला गया, रूट का पानी ऊपर चला गया, रूट क्या, नीचे से पानी पुल आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज पुलिंग ऑफ वाटर वेपर्स। क्लियर है क्या, अब ये पानी को खींच लिया गया बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब विच इज नोन एज जाइलम ट्यूब। क्लियर है क्या, है सभी को, चले हुआ क्या, नीचे से ऊपर टिप ऑफ प्लांट सभी को वाटर वेपर, या फिर मैं बोल दूं वाटर कंटेंट मिल गया, क्या प्लांट सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है क्या, चाहे ट्रांसपीरेशन होता रहा कोई बात नहीं, पेड़ इस कारण क्या करता है, अपनी बॉडी या मैं बोलूं अपनी लीफ को जलने या फिर मुरझाने, फिर सीनेसेंस बोले तो बुढ़ापा, ये सब आने को अवॉइड कर सकता है। क्लियर है क्या, खैर ये सब तो होना है ही, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय दी दिस प्रोसेस ट्रांसपीरेशन। हमारा बस ये मानना था, ये बताना था कि देखो ना ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे हम, क्या हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से, देखो ना वाटर मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम रूट, कहां से? रूट से, बोले तो जड़ से। देखो ना एपिक्स पार्ट, बोले तो टिप ऑफ द प्लांट चला गया पानी। मैं बोल दूं क्या, क्या हुआ? प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन? पानी का। किसके थ्रू? फायर प्लांट में एक स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्यूब कॉल्ड जाइलम के थ्रू हुआ। क्लियर है क्या? बाकी इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा ही, अभी मैं समझा रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। आप सभी बात को समझ गए क्या? चले हम आगे बढ़े। चलिए देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज ए लाइव प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट इज ए लाइव प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड, या तो खींचता है, सोखता है या बनाता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वेराइड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब आप समझिए ध्यान से, हम अगर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स का ही ले लें, हमने खाना खाया, पेट में खाना पचा, लेकिन जो पचा अपना खाना उसमें से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ, याद है क्या प्रोसीजर? खाना खाना इंजेशन, उसके बाद खाने का पचना डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसको रख लिया गया। अब उससे देखो खाना तो खाया कहाँ? पेट में, लेकिन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हर जगह, हर बॉडी पूरा फैल गया, डिफ्यूज हुआ हर पार्ट में। बोला प्रोसीजर एसिमिलेशन। क्लियर है क्या? देखो ना कह क्या रहा है सेकंड लाइन में, यही बोल रहा है खाना कहीं बनेगा लेकिन एनर्जी हर जगह फैलेगी। क्लियर है क्या? चले आगे बढ़े। चलिए इतना क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इतने में? जिसको भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की मैं बात करूं, अब मैं स्पेशलाइज्ड बात कर रहा हूं सिर्फ पेड़ों की। क्लियर है क्या? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, देखो प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब कंडक्ट करवाना, याद है क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है हमें, कंडक्ट करवाना मतलब प्रोसीजर को करवाना है अच्छे से। तो कंडक्टिंग टिश्यू दो तरह के हैं कॉल्ड, एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोयम। क्लियर है क्या? एक को बोला जाइलम एंड एक को बोला फ्लोयम। और ये जो जाइलम टिश्यू है ये कैरी क्या करता है, यहीं पर मैंने बता दिया जाइलम क्या कैरी करता है, पानी को एंड मिनरल्स को। क्लियर है क्या? वेयर एज फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू क्या कैरी करता है, फूड को। क्लियर है क्या? अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह ये प्रोसीजर होता है। चलिए आज से याद रखें कि आपने पास दो तरह के कंडक्टिंग ट्यूब्स, मैं बोल दूं क्या यहाँ पे, टू कंडक्टिंग ट्यूब्स, टू कंडक्टिंग ट्यूब्स। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकेंड वन इज फ्लोएम। चलिए हम देखते हैं कि ये होते कैसे हैं और इनका काम होता किस तरह से बाय ए डायग्रामेटिक व्यू। क्लियर है क्या? चलिए देखिए, ये रही अपनी रूट, रूट सबमर्ज्ड है किसमें, सॉयल में। देखे ना ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से जा रहे हैं, मैं बोल दूं क्या यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा H2O मॉलिक्यूल्स इसमें से जा रहे हैं, देखो ना एरो सिर्फ एक तरफ का है। क्लियर है क्या? और ये ट्यूब कौन सी है, जाइलम टिश्यू, खुद ही बता रहा है कैरिंग वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स अप, मतलब ऊपर, फ्रॉम मतलब कहां से, रूट से। क्लियर है क्या? यहां पे देखो स्पेसिफाइड कर दिया क्या, ये जाइलम टिश्यू है क्या कर रहा है, पानी को, फंक्शन क्या है यहाँ पे ऐसे लिख लो, फंक्शन है क्या वाटर प्लस, मैं एम बोल दूं एम फॉर मिनरल्स, पानी और पानी में जो डिजोल्व मतलब घुल सकते हैं ऐसे मिनरल्स को साथ में ले जा रहा है। मैं बोल दूं क्या, क्लियर है क्या सबको? ये देखो पानी यहां से गया 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 गया, यहां से अपनी हर एक लीफ को भी पानी मिला, और बाकी ये देखो जो और है ये ऊपर टिप ऑफ द पार्ट भी चला गया, मतलब हायर प्लांट में। क्लियर है क्या? अगर आप सभी देख पा रहे हो तो पानी का मूवमेंट सिर्फ नीचे से ऊपर, अगर मैं इसका ट्रेवलमेंट बताऊं तो मैं बोल दूं क्या कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है क्या, ऊपर है क्या, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्यों बोला मैं, नेगेटिव मतलब अपोजिट, जियो मतलब ग्रेविटी के। मैं बोल दूं क्या कि ये पानी का मूवमेंट इसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, बोले तो ऊपर हो रहा है क्या, सही बोला मैंने। चले आगे देखें और एक बात और ध्यान रखेंगे, पानी का मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ रूट से होता है, इस तरह इसलिए मैंने बोला कि दिस
द ट्रेवलमेंट ऑफ, या फिर मैं द बोल दूं द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर फ्रॉम रूट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर फ्रॉम रूट इज यूनिक। और मैं बोलूं कि ये होता है सिर्फ और सिर्फ कैसे, यूनिडायरेक्शनल। क्लियर है क्या? यूनिडायरेक्शनल मतलब मैंने कई बार समझा चुका हूं मैं, यूनि मतलब एक, बोले तो वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन बोलने का मेरा मतलब क्या है, आप सभी ध्यान से देखिए, वन डायरेक्शन मतलब कि देखो ना, सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है क्या पानी, नहीं। क्लियर है क्या? तो चलिए हम सेकंड बात करते हैं, किसकी, फ्लोएम की बात कर लेते हैं। देखो अब फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम एक ट्यूब क्या हुई, जाइलम, जिसका काम क्या, पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना। क्लियर है क्या? उसी तरह सेकंड है अपना फ्लोएम, जब एक पानी पहुंचा रहा है, मिनरल पहुंचा रहा है, दूसरा वाला क्या कर रहा होगा, खाना बना रहा होगा। क्लियर है क्या? चलें, हम लोग पहले जानते हैं क्या करता है फूड, फ्लोएम क्या करता है, फूड बनाता है, फूड मेड बाय द लीफ, फूड जो पत्तियों में बनता है। याद है क्या, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस टेक्स पार्ट इन लीफ, ग्रीन लीफ्स। क्लियर है क्या? चलें, इसका मतलब मैंने एक बात और बताया था कि ये जो लीफ है, इसको हम लोग बोलते थे किचन, इसको हमने बोला किचन ऑफ प्लांट। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि खाना तो यही बनता है। चले देखें, फूड मेड बाय द लीफ, जो खाना पत्तियों में बना, वो देखो ना, इस पत्ती में अगर खाना बना तो ये खाना इधर ट्रेवल करेगा, यहां से यहां ट्रेवल करेगा, वही खाना नीचे भी जाएगा, किसको, रूट्स को जाएगा। ये देखो ना, इस ये खाना रूट्स को भी आ रहा है। क्यों रूट्स को जा रहा है खाना? क्योंकि रूट भी तो मैकेनिज्म कर रहा है ना, खाने से एनर्जी निकालेगा, एनर्जी से एनर्जी निकलेगी तभी तो रूट क्या करेगा, पानी पुल आउट कर पाएगा। तो खाना देखो ना, रूट्स को भी जा रहा है खाना, और खाना कहाँ जा रहा है, और ऊपर भी पार्ट्स में, मतलब एपिकल पार्ट में भी खाना जा रहा है। मैं बोल दूं क्या कि द मूवमेंट ऑफ फूड इज बाई डायरेक्शनल। The movement of food is bidirectional. Bidirectional means two. By means two. बोल दूं क्या? Direction. Two direction मतलब दो direction में। क्यों? देखो ना, ये gravity के against भी जा रहा है और gravity के towards भी जा रहा है। मतलब मैं बोल दूं क्या? By मतलब दो होता है। खाना देखो ना, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। Clear है क्या? चलें। तो आज से आप लोग याद रखेंगे क्या? दो बातें याद रखेंगे क्या? साइलम अपने पास पेड़ों में, हायर प्लांट्स में दो कंडक्टिंग टिश्यू, एक है अपना जाइलम, दूसरा है अपना फ्लोएम। जाइलम का काम नीचे से पानी पहुंचाना ऊपर सारे पार्ट तक। तो बोल दूं क्या, पानी सिर्फ नीचे से ऊपर जाएगा, मैं बोलूं क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रेवलमेंट यूनिडायरेक्शनल, बोले तो एक डायरेक्शन में सिर्फ नीचे से ऊपर। क्लियर है क्या? बट फूड किस में बनेगा, लीफ में, इसीलिए लीफ को बोला किचन ऑफ प्लांट्स। क्लियर है क्या? तो खाना नीचे रूट को भी जाएगा, ऊपर शूट को भी जाएगा, मतलब ऊपर भी गया नीचे भी गया, दो डायरेक्शन। मैं बोल दूं क्या, दो के लिए बाई, तो मैं बोल दूं क्या, फ्लोएम जो है अपना फूड ट्रांसपोर्ट करवाता है इन द बाई डायरेक्शनल, बोले तो दो डायरेक्शन में या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। चले आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। अब देखें, वाटर और मिनरल्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं हायर प्लांट्स में, उसके बारे में जरा सा इस डायग्राम से देखते हैं। देखिए, ये जो रूट्स है, हम इसका एक माइक्रोस्कोपिक वे दिखा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखा रहे हैं। ये देखो, ये रही अपनी रूट, ये क्या है, रूट है, ये सारी रूट है, और ये क्या है, रूट हेयर्स है। क्लियर है क्या? ये रूट हेयर्स है। अब ये रूट हेयर्स के ऊपर नीचे देखो ना, सॉयल है, ये भी रहा सॉयल, ये भी सॉयल, ये भी सॉयल। अब इस सॉयल में होगा क्या, वाटर भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, ये धीरे धीरे डिफ्यूज करके ये देखो ना, एपिडर्मिस,
एपिडर्मिस बोले तो एपी मतलब ऊपर या फिर बाहर, बाहर डर्मिस मतलब चमड़ी, मतलब ऊपर की चमड़ी या बाहर चमड़ी में बोल दूं क्या, रूट की या बाहर की चमड़ी को मैंने बोल दिया एपिडर्मिस, क्लियर है क्या? अब देखें यहां से, ये देखें फिल्म ऑफ वाटर, ये जो डॉट 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 ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉयल पार्टिकल है जो इसको घेर रखा है ये बॉर्डर वाला, दीज आर दी सॉयल पार्टिकल, दीज आर दी सॉयल पार्टिकल, ये वाटर जो है अब ये एब्जॉर्ब होगा रूट में, किसमें, रूट हेयर्स में, तो ये अंदर जाएगा, ये देखो ट्रेवलमेंट हुआ। अब आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एरो बना है, इसका मतलब ये क्या करेगा, रूट कॉर्टेक्स, ये सब को मिला के मैंने बोला क्या, रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, ये पानी का ट्रेवलमेंट देखो ना, रूट कॉर्टेक्स से होते हुए ये देखो कहां पहुंचा, किसमें, ये वही है रूट जाइलम। मैं बोलूं क्या रूट जाइलम क्यों बोला, क्योंकि ये जो जाइलम वाली ट्यूब थी जो पानी ले जा रहा था वो तो ट्यूब रूट तक होगी ना, तभी तो मैं बोला। अब ऐसी जाइलम पार्ट जो रूट में भी हो उसको हमने बोल दिया रूट जाइलम, क्लियर है क्या? ये पानी देखो इधर आया ना, पानी यहां आया, यहां आया, ये देखो अब ऊपर ट्रेवलमेंट करना शुरू हो गया पानी, ये देखो यहां आ गया। इसको अब देखो, अब मैंने इसको बोला जाइलम वेसल इन स्टेम, मतलब ये थोड़ी दूर तक, यहां तक देखो, यहां तक ये जाइलम वेसल कहां था, यहां तक ये रूट में था, इसलिए मैं बोला कि ये जाइलम कैसी जाइलम, ये रूट की जाइलम। क्यों ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये जाइलम रूट में प्रेजेंट है, क्लियर है क्या? अब रूट के बाद देखो शूट में आ गया, तभी हमने क्या बोल दिया, जाइलम वेसल इन स्टेम, स्टेम, अब ये स्टेम वाली जाइलम में आ गया, क्लियर है क्या? अब ये ऐसे जाती जाएगी, ट्रेवल करेगी, अब देखो कहां कहां, ये लीफ में भी जाएगी, लीफलेट्स में भी जाएगी, और किसी और कई चीजों में जाएगी। तो देखें अब ये पानी कहां पहुंचा, यहां पे देखो ये लीफ में गया, ये लीफ की सब्सिडियरी सेल्स में बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में, ये देखो यहां पे, यहां पे ये अपने क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल, ये क्लोरोप्लास्ट, यहां पे पानी आया इसमें, ये देखो पानी, अब ये मूवमेंट हो रहा है यहां पे, क्लियर है क्या? ये अपना स्टोमेटल जोन, स्टोमेटल जोन, अब ये देखो स्टोमेटा से क्या हो रहा है, याद है क्या, ट्रांसपीरेशन, स्टोमेटा से जब ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन बोलते पानी का लॉस होना, उड़ जाना, पानी यहां से उड़ जाएगा, तो ये जो एयर स्पेस है, ये जो स्पेस है एयरी स्पेस, इसको क्या बोल दिया, एयर स्पेस, ये जो एयर स्पेस है ये खाली हो गया, भी जब खाली हो गया तो नीचे का पानी सक्शन करेगा ना, मैं वही बोला पिचकारी मार दिया, पिचकारी खाली हो गई, अब हम पानी में डाल के पिचकारी खींचेंगे, क्यों, खाली पिचकारी में ही तो पानी भरेगा ना, खींचेंगे, खींचेंगे तो क्या होगा, सक्शन पुल होगा, खींचता है यहां पे खाली हो जाएगा तो सक्शन पुल होता है, फिर से यहां से पानी ऊपर ट्रेवल होता है, क्लियर है क्या, क्लियर है सभी को? ये देखें लीफ जाइलम, क्यों, क्योंकि ये जो जाइलम है लीफ के अंदर की पार्ट है, तो मैंने बोल दिया लीफ जाइलम, मतलब मैं एक बात नोटिस कर पा रहे हो आप सभी, ये जाइलम फ्रॉम रूट से लीफ के अंदर तक होगी, क्लियर है क्या? मतलब पानी को पूरा जड़ से उठाएगा, हर एक जगह डालेगा, इसलिए मैं बोला तीन तरह की हमें क्या दिखी जाइलम, पहली ऐसी जाइलम जो कुछ रूट में होगी बोल दिया रूट जाइलम, ऐसी जाइलम जो शूट या स्टेम में होगी बोल दिया जाइलम वेसल्स इन स्टेम, ऐसी जाइलम जो पत्तियों में घुसी होगी उसे बोलेंगे क्या, लीफ जाइलम, क्लियर है क्या? आई होप आप ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से जान गए होंगे और इसको अच्छे से आप पढ़े होंगे, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेगा। ये लेक्चर जरा भी आपको पसंद आया हो तो आप इसको जरूर लाइक करके जाएं, और बाकी अच्छा लगा हो तो किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह बने रहिए, इसके दो लेक्चर्स और बचे हैं, बाकी फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, बाकी फर्दर इसके लिए आप जो भी इसके नोट्स वोट्स होंगे उसको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह आप अपने एंड से मेहनत करते रहिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।